बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैं आपके साथ ये एक टेस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ये टेस्ट जो है ये केरल की तरफ से 2018 में एएम असिस्टेंट मैनेजर फिजिक्स की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया गया था। अच्छा, आप इस पेपर को मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किए। मैं चार डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा इसके लिए, ताकि किसी भी वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड ना हो, क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इस पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखने और जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा लाजमी, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। सेकंड, आपने कमेंट में बताना है अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ क्लियर ना हो, या अगर आप चाहते हैं कि इस पेपर के नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचे, तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमीन बताना है। चलें कर लेते हैं इस वीडियो का आगाज। तो ये अच्छा, पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास। स्फेरिकल शेप ऑफ मर्क्यूरी ड्रॉपलेट इज ड्यू टू, ये जो हमारे पास मर्करी ड्रॉपलेट होता है, इसकी स्फेरिकल शेप होती है, क्यों होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, हाई विस्कॉसिटी, बी लो सरफेस टेंशन, सी हाई डेंसिटी, ए और डी हाई सरफेस टेंशन। अब हमें पता है कि लिक्विड्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास सरफेस टेंशन होती है। अब वाटर की बात अगर हम कर लें, या कोई भी लिक्विड हो उसकी बात करें, वो उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन पे हर तरफ से इंट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो लगती हैं, और जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है, उसकी डायरेक्शन जो है हमेशा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। अच्छा, अब ये सरफेस टेंशन का रिजल्ट फिर क्या होता है? सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एरिया जो होता है वो उसको कम कर देती है। और हमें पता है कि स्फीयर ही एक ऐसी शेप है जिसकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो स्मॉलेस्ट होती है। तो इस हिसाब से, इस वजह से, सरफेस एरिया कम होने की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस एरिया कम होने की वजह से, जो ये मरकरी के ड्रॉपलेट हैं या जो वाटर के ड्रॉपलेट हो है, वो स्फेरिकल शेप जो है वो अक्योर कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्फेरिकल शेप फिर मरकरी या वाटर ड्रॉपलेट की क्यों होती है? उनके हाई सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में वो ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में नहीं बताती कुछ? ऑप्शन जो गिवन है हमारे पास, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें पता है कि इंटरफेरेंस क्या होती है, वेव्स की इंटरफेरेंस। वाटर के केस में वाटर वेव्स इंटरफेयर करती हैं, लाइट के केस में लाइट वेव्स इंटरफेयर करती हैं। जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेनोमेना होता है, हम जानते हैं। फिर हम पता है कि डायफ्रेक्शन भी, जब लाइट ऑब्स्टिकल्स या कॉर्नर से बेंड हो, तो उसे हम डायफ्रेक्शन कह रहे होते हैं बेसिकली। और हमें पोलराइजेशन भी का भी आइडिया है कि इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होती है, और इसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखते हैं।
तो ये तीनों जो फेनोमिनाज हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और बेसिकली इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये ही तो मेन फेनोमिनाज थे जिसके बाद जो पहले लाइट के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है उसकी, क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करती है जो कोई भी पार्टिकल करता है। लेकिन फिर जब यंग ने आइडिया दिया, उसने कहा कि ये दो प्रॉपर्टीज काफी नहीं है, अगर लाइट को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी करनी चाहिए तब हम उसे पार्टिकल कह सकते हैं, लेकिन पार्टिकल तो ये दो प्रॉपर्टी शो नहीं करते। और फिर जब उसने यंग डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, फिर उसने देखा कि लाइट जो है इंटरफेयर भी कर रही थी, डिफ्रैक्ट भी कर रही थी, तो उसके बाद लाइट के बारे में ये नया कंसेप्ट सामने आया कि लाइट जो है उसकी वेव नेचर होती है। तो ये तीनों ऑप्शंस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, लाइट में ये तीनों फिनोमिनाज होते हैं, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये जो है इसका कोई कहीं भी हमने ऐसा कोई रिलेशन नहीं देखा इन तीन रिलेशंस के साथ या लाइट के साथ। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पता है कि जब एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस के ऊपर आके, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है ये रिलेटेड नहीं है पहले तीन ऑप्शन से, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, हमारे पास करेक्ट आंसर है, डी आंसर इज करेक्ट, ये वेव नेचर के बारे में हमें नहीं बताता। और ये बेसिकली आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट दिया था और इस पे उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है कि विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज जीरो एट मैक्सिमम हाइट। जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो है वो जीरो होता है? ए वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सी बोथ है, ए एंड बी, डी नन ऑफ द बो। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसकी मोशन दो चीजों पर डिपेंड कर रही होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी क्या है और दूसरी जो चीज होती है वो होती है किस एंगल पे हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि टू डायमेंशनल होती है लिहाजा इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी होता है और वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी भी होता है, कंपोनेंट भी होता है। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये जो है वो जीरो होता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर। क्यों जीरो होता है? हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो हर चीज को डाउनवर्ड खींचती है, तो इसका मतलब है क्योंकि ग्रेविटी जो है अब इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर इसकी मोशन की ओपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, लिहाजा ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को मुसलसल कम करती रहेगी। और जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, उसके बाद ये फिर अगेन डाउनवर्ड फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से, लिहाजा वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये हमारे पास जीरो हो जाता है हाइट के ऊपर, आपने याद रखना है हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ ग्लास ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स एज शोन इन द फिगर। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस। मतलब ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी 3 लेयर्स हैं, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, 3 डिफरेंट लेयर्स हैं और ये 3 डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई है, इसका मतलब 3 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुई ना। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं इसकी एक्सिस पे, मतलब सपोज हम ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो हमने ये बताना है कि कितनी इमेजेस जो है वो अब फॉर्म्ड होंगी इस ऑब्जेक्ट की, 1 2 3 4। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम है ना बेसिकली ये है, ये बेस कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है? तो हर लेंस को हम ट्रीट करेंगे एज अ वन लेंस, इसे भी हम एज अ वन लेंस ट्रीट करेंगे, इसे हम एज अ वन लेंस ट्रीट करेंगे, सिमिलरली इसे भी हम एज अ वन लेंस ट्रीट करेंगे।
और फिर हमारे पास वन आवर एफ इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे फार्मूला से, वन आवर एफ प्लस वन आवर एफ प्लस वन आवर एफ। इसका क्या मतलब हुआ कि हर लेंथ जो है हमारे पास वो, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एज अ वन लेंथ जो है वो बिहेव कर रहा है, जो कि तीन डिफरेंट मटेरियल्स के तीन डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। लिहाजा जो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होंगी वो वन ही होंगी, हमारे पास एक इमेज ही फॉर्म्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल कैपेसिटर यूज इन द डायग्राम, ये कैपेसिटर है, आर आइडेंटिकल एंड ईच इज ऑफ कैपेसिटेंसी, मतलब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है, ये भी 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 सी है, इस तरह। अच्छा, देन अफेक्टिव कैपेसिटेंस सी अफेक्टिव, ठीक है, ये अफेक्टिव, ठीक है, ओके। ए और बी पॉइंट्स के दरमियान हमने सी अफेक्टिव जो है वो फाइंड करनी है। ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं पॉइंट ए और बी के दरमियान, इनकी कैपेसिटेंस सी है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, हमने पॉइंट ए और बी के दरमियान कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने ए से बी तक जाना है, हमने ए से बी तक जाना है, हमने कम से कम कैपेसिटेंस जो है वो लेनी है, कोई दो ले लेते हैं। सपोज पहले हम जो है ये, इसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कह दिए, जस्ट आसानी के लिए। अच्छा, पहले हम सपोज ये 1 2 और 11 12 ले लेते हैं, 1 2 और फिर यहाँ से चलते हैं हम आप जाते हैं, फिर यहाँ से चलते 11 12, 1 2 और 11 12 ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे ले ली, हम इसे यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये हमें कंफ्यूज ना हो। अब एक और कम्बिनेशन हम लेते हैं जिसमें हम 5 6 और 10 9 ले लेते हैं, ये यहाँ से मैं चला, यहाँ से आता, हाँ 5 6 ले लिया, ठीक है, और 10 9, ये यहाँ से चला, यहाँ से होता, यहाँ से होता, फिर यहाँ से होता, फिर मैं पॉइंट बी तक आ गया, ठीक है। फाइव, एक दूसरे कम्बिनेशन में हमने क्या ले लिया, हमने 5 6 और 10 9 को ले लिया। अब एक और कम्बिनेशन ले लेते हैं जिसमें हम 4 3 और 7 8 ले लेते हैं, यहाँ से चला, यहाँ से होता, यहाँ से होता, और यहाँ से होता, सॉरी यहाँ से होता, ये होते हम पॉइंट बी तक आ गए। तो एक और कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, हमने 4 3 और 7 8 ले लिए। अच्छा, अब देखें हमारे पास पॉइंट ए और बी के दरमियान ये हमने तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले लिए, दो दो कैपेसिटेंसेस की, इसकी इक्विवेलेंट क्या होगी, C/2 होगी, क्योंकि जब कैपेसिटर का जो केस होता है वो रेजिस्टेंस से उल्टा होता है, ठीक है, इस तरह इसकी भी C/2, इसकी भी C/2, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, वो ऐड होंगी तो वो हमारे पास आ जाएगी, आप ऐड करके देख लें, 3/2 C, ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी जो कि 1.5 C बनते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलें यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको इस पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।